दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज जो कि मधेपुरा में है, उसका जो मतलब एक्सेप्ट लिस्ट और रिजेक्ट लिस्ट आ चुका है। क्या एक्सेप्ट लिस्ट है, रिजेक्ट लिस्ट क्या मतलब है उसका, क्या ये मैरिज लिस्ट है या क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि BNMU मंडल का मूल प्रमाण पत्र किस तरह आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी कोर्स का ऑनलाइन आप अपने मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन निकाल सकते हैं, तो इसमें मैंने बताया, आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप मेरे मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जननायक कर्पूरी ठाकुर का मेडिकल कॉलेज के वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया हूँ। इस पर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, करियर सेक्शन। तो करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों पर मांगे गए आवेदन की प्रथम पदवार, ये प्रथम पदवार है, इसके बाद सेकंड आएगा, इसके बाद थर्ड आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है नॉट रिमेनिंग पोस्ट विल बी अपलोडेड शॉर्टली, यानी कि अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रथम है, प्रथम में भी अभी और का अपलोड हो रहा है, उसका सेकंड आएगा, उसके बाद थर्ड वगैरह हो सकता है तो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रथम दिया गया है। और ये बात कर लेते, ये मैरिज लिस्ट है या क्या है? नहीं, ये कोई मैरिज लिस्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाई जो हुआ था, ठीक है, तो अप्लाई जो हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई जो हुआ था, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए अप्लाई जो हुआ था उसमें 100 कैंडिडेट अप्लाई किया था, ठीक है, 100 कैंडिडेट अप्लाई किया था, 100 कैंडिडेट में मिसाल के तौर पे 80 कैंडिडेट जो है अपना डॉक्यूमेंट पोस्ट के जरिए कॉलेज को भेजा था, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, 100 कैंडिडेट अप्लाई किया था जिसमें 80 कैंडिडेट जो भेजा था इसको डाक के द्वारा, ठीक है। अब कॉलेज के पास पहुंचा और टोटल 80 फॉर्म, ठीक है, कितना फॉर्म पहुंचा, 80 फॉर्म, ठीक है। अब कॉलेज सभी फॉर्म को ओपन करता है और दो ये बनाता है, मतलब एक एक्सेप्ट का एक रिजेक्ट का, ठीक है। तो जैसे 80 फॉर्म कॉलेज के पास पहुंचा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, दो एक मैं कॉलम बना लेता हूँ, एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट। तो अब देखिए कॉलेज के पास कितना फॉर्म पहुंचा, 80 फॉर्म, 100 बच्चा अप्लाई किया था, 80 फॉर्म भेजा गया, कॉलेज को मिला 80 फॉर्म, ठीक है। 80 फॉर्म को कॉलेज ओपन किया है और उसमें देखता है क्या जो ये भरा है, जिस पोस्ट के लिए भरा है उसके लिए जो कागजात है, जो भी कागजात डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी है, जो भी डॉक्यूमेंट अनिवार्य किया गया था, क्या उसका उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। जो जिसका डॉक्यूमेंट सही रहता है, जैसे टोटल डॉक्यूमेंट जो मांगा गया था नोटिफिकेशन, टोटल डॉक्यूमेंट जिसका सही रहता है उसको दिया गया है किसमें, एक्सेप्ट लिस्ट में, किसमें दिया गया है, एक्सेप्ट लिस्ट में, जिसका डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है, ठीक है, और वो उसका डॉक्यूमेंट भी टोटल सही है तो उसको एक्सेप्ट लिस्ट में दिया गया, ठीक है। अब दूसरा, जिसका डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है, अब उसका डॉक्यूमेंट में कुछ कमी हो गई, जैसे कि डॉक्यूमेंट में चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगा, कैरेक्टर नहीं लगाया, ठीक है, DD में कुछ गड़बड़ी हो गई, नेशनल बैंक से नहीं बना था, ठीक है, इसी तरह DD हो गया, और उसके बाद अप्लीकेशन नहीं भेजा गया, जैसे मैंने बोला 100 अप्लाई किया था, 100 में तो 80 भेजा, तो 80 में 20 तो नहीं भेजा था उदाहरण तौर पे, तो अप्लीकेशन जिसका नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि इससे पहले अप्लाई किया गया था तो उसको तो पता चल गया इतना बच्चा अप्लाई किया था और इतना का हमें आवेदन मिला और इतना का नहीं मिला है। तो जिसका नहीं मिला उसको रिजेक्ट लिस्ट में दिया गया है, जिसका डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर नहीं था उसको भी रिजेक्ट लिस्ट में दिया गया है, जिसका DD इंटरनेशनल बैंक से नहीं था, मतलब जो कहा गया था राजकीय बैंक से जिसका DD नहीं था उसका भी रिजेक्ट किया गया, ठीक है, राजकीय बैंक में बोला गया DD के लिए। तो तीन रीजन से रिजेक्ट किया गया, ठीक है,
और ये कोई मैरिज लिस्ट नहीं है, तो इस दुविधा में आप ना रहें कि ये मैरिज लिस्ट है, मैरिज लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो ये कोई मैरिज लिस्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो ये कोई मैरिज लिस्ट नहीं है, ओके, ये सिर्फ एक्सेप्ट लिस्ट है फॉर और रिजेक्ट लिस्ट है, मतलब जिसका डॉक्यूमेंट सारा चीज सही समय पे पहुंच गया, सारा डॉक्यूमेंट उसको क्लियर है उसका डॉक्यूमेंट, तो उसको एक्सेप्ट लिस्ट में रखा गया है, मतलब इसका डॉक्यूमेंट सही है, और जिसका डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है या डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचाया है तो उसको रिजेक्ट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, यही एक कारण, ठीक, तो ये जो प्रथम मतलब धीरे धीरे अपलोड कर रहा है तो ये प्रथम है, इसमें कुछ छात्र कर दिया गया है, उसका फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, इसी तरह सभी छात्र का इसमें अपलोड किया जाएगा, ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट सही होगा, सही समय पहुंच गया होगा उसको एक्सेप्ट लिस्ट में गया होगा, और जिसका रिजेक्ट है उसका रिजेक्ट लिस्ट में दिया होगा, और रिजेक्ट किस कारण से हुआ वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सेप्ट लिस्ट है, एक्सेप्ट लिस्ट पर क्लिक करेंगे इसमें, ये देखिए 6 नंबर में जो इसमें दो पेज है, फर्स्ट पेज ये है और सेकेंड पेज ये है, ठीक है, किसी पेज पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पेज है, इसको जूम करके इसमें नाम देख लेंगे, एक्सेप्ट दिखा रहा है, मतलब इसका डॉक्यूमेंट सही है, ये कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए, मतलब जो जांच हुआ है, कुछ रिपोर्ट जो चेक हुए उसमें ये सही निकला, ठीक है, और हो रहा है, ये फर्स्ट है, ठीक है, और जिसका रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट वाले क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिजेक्ट देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे नाम, एप्लीकेशन नंबर, नाम, पोस्ट, एप्लीकेशन स्टेटस, रिजेक्ट, और रिमार्क में इन्होंने दिया है कि रिजेक्ट क्यों हुआ, एप्लीकेशन फ्रॉम नॉट रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ, एप्लीकेशन नहीं मिला बैंक इसको कॉलेज को, इसलिए रिजेक्ट किया गया है, चैप्टर नो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था उसमें, इसके कारण रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, ये कारण हो गया रिजेक्ट करने का, तो सिंपली समझ लीजिए कोई मैरिज लिस्ट नहीं है, ये एक लिस्ट बनाया गया, मतलब किसका डॉक्यूमेंट सही है किसका गलत है, किसका डॉक्यूमेंट पूरी तरह तैयार है, जिसका डॉक्यूमेंट पूरी तरह तैयार वो एक्सेप्ट लिस्ट में, जिसका रेडी है मतलब सारा चीज़ जो मांगा गया तो वो यहाँ पे सही से उसका डॉक्यूमेंट मिल चुका है, तो एक्सेप्ट लिस्ट में जिसका डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ी है या नहीं पहुंचा है तो उसको रिजेक्ट लिस्ट में दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे जो एक मैं आपको मतलब आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि आप लोग बताइए कि ये जिसका फॉर्म मतलब नहीं भेजा गया है तो उसको मिला कैसे, उसको पता कैसे चला इसका फॉर्म भी हमको नहीं मिला है, तो इसमें आप अप्लाई किए होंगे, पहले वेबसाइट पे आएंगे, पहले आप डीडी बनाएंगे, डीडी बनाने के बाद वेबसाइट पे आके अप्लाई किए होंगे, तो अप्लाई जो किए उसको ये पता चल गया ये बंदा अप्लाई किया और इसका एप्लीकेशन मतलब इसका डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो ये भी मुझे लगा कि कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको मैं दूर कर दूँ कि जिसका रिजेक्ट लिस्ट में रीजन में लिखा हुआ एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन नहीं मिला तो इसको कैसे कॉलेज को कैसे पता चला इसका ये अप्लाई किया था, ठीक है, ये कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ, क्योंकि इससे सबसे पहले यहाँ पर डीडी बनाने के बाद ऑनलाइन अप्लाई लिया गया था, ऑनलाइन अप्लाई जो किया था उसका पूरा डिटेल कॉलेज के पास गया था, उसमें से वो देख रहा है जिसका कॉलेज अप्लाई किया गया उसका डॉक्यूमेंट इसमें है या नहीं, ठीक है, तो उसी में से कुछ जो गलत है मतलब जिसका डॉक्यूमेंट सही से रेडी नहीं है, कुछ गलत है, कुछ रीजन है, तो उसके अलावा इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ये कोई मैरिज लिस्ट नहीं है। अब जो एक्सेप्ट लिस्ट है, एक्सेप्ट अपना नाम देख लीजिएगा, अब एक्सेप्ट लिस्ट में तो अब इसमें से अब इसका मैरिज लिस्ट निकलेगा मार्क विशेष पर, ये अब जिसका रिजेक्ट हो गया तो समझिए गया, और जिसका एक्सेप्ट है उसके उस लिस्ट में से अब मैरिज लिस्ट में निकलेगा, ठीक है, तो समझ गए ये कोई मैरिज लिस्ट नहीं है, ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको आसानी से मिलती रहे और आप सबसे पहले देखो और सही से अच्छे से बारीकी से आप समझ सकें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे भी किसी तरह कन्फ्यूजन ना रहे, और इस किसी तरह का आपको जानकारी चाहिए, किसी तरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कॉमेंट आप कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में बताइए जरूर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।